पहुंच गए। तो मुझे मंदिर में क्यों छोड़ा है? मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि मंदिर का बोल के जगदीशा जंगल में गया था। जा, जिसको बोलना बोल दे, जगदीशा किसी से नहीं डरता। मैं ये भी सबको बता दूंगी कि जगदीश कह रहा था वो किसी से नहीं डरता। चुगलखोर सबको बताएगी, मेरी शिकायत करेगी। जा अब बता। छोड़ ना मेरी चोटी। मैं माँ से बोलूंगी कि नग्न बंदर ने मेरी चोटी फेंकी थी। हे भगवान, अभी इधर भी आ गई। तू जाकर चुप करा उसे, वरना घर जाकर किसी को बोल दिया हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? ये तो जब देखो रोती ही रहती है। वहाँ बहुत मीठी मीठी बेर होते हैं। और तुम्हें पेड़ पे चढ़ के बेर तोड़ने में मजा आता है ना? तोड़ू? कोई चिल्लाएगा तो नहीं ना? नहीं चिल्लाएगा। ये कौन है जीजी? लो, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा नंदोई हूँ। नंदोई? अरे मैं तेरी ननंद हूँ ना, तो ननंद के घर वाले को नंदोई कहते हैं। जगदीश तुम्हारा घर वाला है ना, समझी? अच्छा, तो ये आपके लिए मीठे मीठे गन्ने लाते हैं ना? खाने के बाद तो कभी भूल ही नहीं सकती है। और पता है आम भी लेके आते हैं, बहुत सारे बहुत मीठे, तुम्हारे लिए भी लेकर आएंगे। साची? हाँ। लेकिन तुम ये जंगल वाली बात किसी को बताओगी तो नहीं ना घर पे? ये तो झूठ हुआ ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पता है नाक फूल जाती है झूठ बोलने से। मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहाँ बोल रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगी। फिर तो ये मेरे लिए आम लाएंगे ना? मेरे गांव में भी आम होते हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं। बापू कभी कभी लाते हैं दूसरे गाँव से, कहते हैं बहुत महंगे आते हैं आम। साची में आप मेरे लिए लाओगे ना? ले आऊंगा बाबा। तेरी भाभी तो जान गई हमारे बारे में, अब इससे पहले ही किसी और को पता चले अपनी माँ से गौने की बात कर ले। सुनना, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? हम तो बेर की बात कर रहे हैं, चलो बेर तोड़ने के लिए। तुझे समझाया ना बेटा, अभी तेरा गौना नहीं कर सकते, एक बार सही समय आने दे, फिर धूम धाम से हम सब मिलकर तेरा गौना करेंगे। सही समय? सही समय क्या होता है माँ? मुहूर्त तो देखना है ना, वो तो पंडित जी बता देंगे। तू नहीं समझेगी छोरी, बच्ची है अभी। ये अच्छा है, कोई भूल हो जाए तो कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई है, जरा भी अक्कल नहीं है, और गौने की बात करती हूँ तो मैं बच्ची हो जाती हूँ। इतना तो समझ सकती हूँ कि मेरी माँ मेरा गौना करना ही नहीं चाहती। अरे मेरी लाडो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला, मैं क्या जानू। अरे कहाँ तो छोरी अपने सासरे जाने से कतराती है, और एक ये है मेरी लाडो तड़प रही है अपने सासरे जाने के लिए। सासू माँ, मैं तो सुगना जीजी से भी छोटी हूँ, मेरा गौना करा दिया, जीजी का क्यों नहीं? तेरे ही भले के लिए, सुगना जब तक इस घर में रहेगी तेरा भी जी लगा रहेगा, वो तेरी ननद भी है और सहेली भी है ना? और फिर सुगना के अलावा इस घर में है ही कौन तेरी उम्र का, है ना? सुगना के सासरे में तो कोई और छोरी ही नहीं है, वो अकेली क्या करेगी वहां? जब तक यहाँ अपने माँ बापू के घर में रहेगी, ठाट से खा पी कर रहेगी और अपनी भाभी के साथ खूब मजा करेगी। पर मैं तो अपने बापू के घर अकेली नहीं थी, बहुत सारी सहेलियाँ थी गांव में, बहुत मजा आता था, फिर आप मुझे क्यों ले आई यहाँ जबरदस्ती? डाला तो मसा। कितना? दो बूंद। सुमित्रा, एक ही लड़का है, उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता था। हमारे दो दो छोरे हैं, जब मैं रसोई संभालती थी खाने बैठते थे तो कटोरे में ऊपर तक तैरता था घी, जितनी दाल उतना घी। छोरों की शादियां हो गई,
लुगाइयों ने कंजूसी करनी शुरू कर दी। हमारे हट्टे कट्टे बाँ के छोरे सूप के कांटा हो रहे हैं। तो अब हमारे पोते पे कुछ तो मेहरबानी कर देना, डालना थोड़ा और घी। कौन सा थारे बाप के घर से घी आता है? अपने बाप की कमाई खाता है हमारा छोरा। डाल। तो सही, मुझे इतना घी अच्छा नहीं लगता। देख, घी नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? हैं? तुझे बड़ा होना है ना जल्दी जल्दी अपने बापू की तरह। हैं? खा खा, अच्छा है तेरे लिए। देखा सुमित्रा, ये छोरा है, मेहनत करता है दिन भर, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है, घर आकर फिर पढ़ाई करता है, फिर खेलने कूदने को निकल जाता है बाहर। ऐसे में खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। इसकी तरह नहीं, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल एक रोटी डाल छोड़े को। बस ऐसा, पेट भर गया मेरा। अगर नींद आ गई तो स्कूल का काम नहीं कर पाऊंगा, और अगर काम नहीं गया तो टीचर जी बहुत डांटेगी मुझे। अरे तुम्हारे को ले चलना अपने टीचर के पास, मैं उसे समझा दूंगी। बस जी एक रोटी और खा ले, डालना सुमित्रा। ऐसा आधा दिन तो सुगना जी के साथ ही निकल गया, और मैं अपने दोस्तों के पास भी नहीं गया। गए कहाँ थे तुम लोग? जी जी मुझे लेके मंदिर गए थे, अब रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। देख तू बिल्कुल मत डरना अपने टीचर से। हाँ, किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे पोते पे चिल्लाए। क्यों रे बसंत? जी हाँ मासा, बिल्कुल। देख जगदीश, तुझे कोई परेशान करे ना तो मुझसे आगे कहना, समझा? सासू माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे खाना कब मिलेगा? आनंदी बेटा, मेरे साथ रसोई में आ तो गुड़ ऊपर से निकाल कर दे दे। क्यों कहा कि ऊपर से निकाल दे? आपने झूठ बोला ना? टीचर जी कहती थी झूठ बोलने से पाप लगता है और नाक भी फूलती है। देखो तो आपकी नाक फूल गई क्या? जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है उससे ना ही तो पाप लगता है और ना ही नाक फूलती है। साची? हाँ साची, तेरी माँ ने कभी ऐसे खाना नहीं खिलाया क्या तुझे?